उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मनाया 59वां स्थापना दिवस। आपको बताते चले, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा बरेली द्वारा लोक निर्माण विभाग परिसर स्थित शक्ति सदन में परिषद का 59वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुनील कुमार जैन एवं संचालन इंजीनियर देवदत्त पचौरी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बरेली के संरक्षक एवं सदस्य किशोर न्याय बोर्ड डॉक्टर डीएन शर्मा रहे। मैं डॉक्टर डीएन शर्मा, संरक्षक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। आज परिषद का 59वां स्थापना दिवस है। वर्ष 1966 से पूर्व कर्मचारी जिस तरह विघटित थे और अधिकारियों के शोषण का शिकार होते थे, उस सबको दृष्टिगत रखते हुए माननीय ठाकुर बीएन सिंह और पीएन शुक्ल जी के सत प्रयासों से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का गठन हुआ। और गठन के उपरांत जो भी कर्मचारियों की मांगे थी कर्मचारी हितों की, उनके लिए उन्होंने लंबे आंदोलन किए और उनके आंदोलन का दमन किया गया। उनके आवासों की बिजली तक काट दी गई। इन सब इन दमन के बावजूद भी उन्होंने अपनी मांगे सरकार से नहीं मनवाई और सरकार में एक संदेश गया कि यदि राज्य कर्मचारी संगठित हो जाए तो प्रदेश की कोई सत्ता ऐसी नहीं है जो उनकी मांगों को मांगने से इनकार कर दे। और इसी के बलबूत पर हमने केंद्र के समान महंगाई भत्ते और डीए नकदीकरण एलटीसी एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त की। मगर वर्तमान में स्थिति आ रही है कि धीरे धीरे सब सुविधाओं को छीना जा रहा है। जहां तक कि हमारी जो पेंशन है उसको भी समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह एनपीएस ले आए। तो इन सब की वजह से आज का हमारा दिन जो स्थापना दिवस है वो एक तरह से संकल्प दिवस भी है। हमने ये संकल्प लिया कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए परिषद सदैव संकल्पबद्ध रहेगा। आज के दिन बरेली जनपद में जिन राज्य कर्मचारियों ने, डिफरेंट विभाग के राज्य कर्मचारियों ने अपने अपने क्षेत्र में अनूठे कार्य किए हैं और इस संगठन के क्षेत्र में जिन्होंने समर्पित भाव से कार्य किया है, उनको परिषद की ओर से सारस्वत सम्मान से विभूषित किया गया। मेरा नाम सुनील कुमार जैन है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी संघ परिषद का। आज राज्य कर्मचारी संघ परिषद का स्थापना दिवस है। 26 फरवरी 1966 को राज्य कर्मचारी संघ परिषद की स्थापना ठाकुर बीएन सिंह जी ने की थी, जिसमें कर्मचारी की समस्याओं को लेकर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और राज्य कर्मचारी संघ परिषद सदैव ही राज्य कर्मचारियों की समस्याओं के लिए समन्वय बनाकर उनका निदान कराता रहता है और लगातार कर्मचारियों की समस्याएं बनी रहती हैं। जैसे पेंशन की समस्या है, इस समय योगी जी ने 15 भत्ते हमारे काट दिए हैं, उनकी मांगे चल रही हैं, उन सबकी मांगे चल रही है। राज्य कर्मचारी संघ परिषद सभी कर्मचारियों के हित में कार्य करता रहता है।